इंगाके किस एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है एक लड़की को जो कि एक अपार्टमेंट के घर के इधर आती है। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है वो लड़की उस घर में आ जाती है एंड वो वहाँ पे खाना बनाने लग जाती है एंड वो कहती है मैंने 3 दिनों से खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड इस बार मैं एक अच्छा खाना बना के रहूँगी। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को एक रेस्टोरेंट में भुक्कड़ की तरह खाना खा रहा रहता है वो भी एक लड़की के साथ। फिर तभी वो लड़की उसे कहती है तो तुम काम क्यों नहीं करते और तुमने आखिर में कब काम किया था। फिर तभी वो बताता है 3 महीने पहले। फिर तभी वो वहाँ से उठ के जाने वाला रहता है। फिर तभी वो लड़की कहती है बट आखिर ऐसा क्यों, आखिर तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। फिर तभी वो बताता है मेरी लाइफ, मैं जो चाहूँ वो मैं करूँ। फिर तभी वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम ही अपने लाइफ के सारे डेब्ट्स भरते रहना। एंड देन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, रुको मैं अभी आया। फिर तभी वो बताती है कि मेरे पास एक तुम्हारे लिए काम है जिससे कि तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है अच्छा तो ऐसा क्या है। फिर तभी वो रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं एंड वो जैसे ही बाहर जाते रहते हैं कि तभी वो जो लड़की है वो उससे अपना नंबर मांगती है। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मेरा जो नंबर है वो भी थोड़े दिनों में यानी कि वो जो टेलीफोन है वो बंद हो जाएगा क्योंकि मैंने उसके चार्जेस नहीं भरे हैं। फिर तभी वो लड़की है वो कहती है इसकी चिंता मत करो मैं उसे भर दूंगी। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने घर में आ जाता है एंड वो अपने एक चाबी से उसका घर का ताला खोल देता है। एंड वो जैसे ही अंदर आता है वो वहाँ पे देखता है किसी ने वहाँ पे कैंडल लगाई रहती है एंड वो जैसे ही अंदर आता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है तुम लेट हो शू। एंड फिर हमें पता लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम शू है। एंड देन वो लड़की हमारे शू से कहती है मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत सारा खाना बनाया। फिर तभी जो हमारा शू है वो कहता है एक्चुअली मैं बाहर से खाना खा के आया हूँ क्योंकि मैंने को एक काम मिला है। फिर तभी वो लड़की है वो कहती है मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे एंड वो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचने लग जाती है। फिर तभी हमारा जो शू है वो अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई चारा नहीं पड़ता एंड वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है। एंड फिर तभी वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर ये खाना कैसा लग रहा है। फिर तभी वो बोलने वाला रहता है कि ये खाना ठंडा है। फिर तभी वो कहता है रहने दो। एंड देन वो कहता है ये खाना बिल्कुल टेस्टी है। एंड देन वो जो लड़की है वो हमारे शू से गले लगती है एंड वो कहती है तुम चिंता मत करो तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा एंड तुम्हारा जो भी काम है वो तुमसे बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। फिर तभी जो वो लड़की है वो कहती है तुम्हारे बॉडी से एक और लड़की की स्मेल आ रही है। फिर तभी जो शू है वो कहता है शायद भीड़ में मैं किसी से टकरा गया होगा। फिर तभी वो कहती है अच्छा तो ठीक है। एंड देन जो लड़की है वो कहती है मेरे भी कुछ कामों से मैंने जो घर का रेंट है वो भर दिया है जिसके कारण हमारे पास एक और मंथ के लिए पैसे बाकी है। एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है उनके घर के सामने एक डिलीवरी बॉय आता है एंड वो कहता है मुझे माफ़ कर देना मैंने एक डिलीवरी मंगाई है। एंड फिर तभी वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है इसे देने के लिए सो क्या तुम इसे दे सकती हो। फिर तभी वो कहती है ठीक है एंड वो उस पैसे को दे देती है एंड उनकी जो सेविंग्स है यानी कि उस एक महीने की वो सारी सेविंग ख़त्म हो जाती है। फिर तभी वो लड़की कहती है अब शायद हमें मरना होगा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। फिर तभी वो लड़का कहता है तुम डरो मत मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो शू है वो उन ग्लासेस को पहन लेता है एंड वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है एंड उनकी एक मीटिंग चल रही रहती है एंड उस मीटिंग में उनको एक सीन दिखाई जाता है जिसमें एक जो लड़का है वो डीमन में ट्रांसफॉर्म होके उनके जो सारे गार्ड्स हैं उनको वहीं पर मार देता है। वो जो बंदा है उसे किस भी हाल में जिंदा या फिर डेड हालत में उसे वहाँ पर पकड़ना है एंड वो सिचुएशन है वो एक आइलैंड पे हो रही है सो तुम्हें ज़्यादा वहाँ पे तबाही नहीं मचानी है क्योंकि अगर तुमने वहाँ पे ज़्यादा तबाही मचाई तो तुम्हारे जो प्राइज़ है उसमें से वहाँ के जो पैसे हैं वो चार्ज किए जाएंगे। एंड देन वहाँ पे बोली चालू हो जाती है एंड जो कम बोली लगाएगा यानी कि कम रिवॉर्ड का प्राइस उसे वो टारगेट मिल जाएगा। एंड देन वहाँ पे बिडिंग चालू हो जाती है एंड हमें दिखाई जाता है जो हमारा शू है वो वहाँ की बिडिंग जीत जाता है। एंड फिर तभी वहाँ का एक बंदा है वो हमारे शू से कहता है अच्छा तो तुम इसमें इंटरफियर कर रहे हो। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो हमारा शू है वो किसी से कॉल पे बात करता है एंड हमें दिखाई जाता है वो उस लड़की के मम्मी से बात करता है जो कि उनके ऑफिस की हेड रहती है यानी कि बॉस रहती है। फिर तभी वो कहता है अच्छा तो मैं मेरा काम कर दूंगा। एंड फिर तभी वो जो बॉस है वो अपने लड़की से कहती है तुम जा सकती हो अपने काम के लिए। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वो उस लड़की यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ तो जल्दी मिलेंगे। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है वो उस दूसरी लड़की यानी कि आयनो से मिलने आता है। फिर तभी आयनो उसे कहती है तुमने फिर से देर कर दी
तुमने एक कैब को क्यों नहीं बुक किया? फिर तभी शू कहता है मेरे पास उतने पैसे नहीं है। फिर तभी वो कहती है जाने दो। एंड देन वो उस मैंशन में एंटर करते हैं। फिर आयानो हमारे शू को वो प्लान एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उन्हें पहले मिनियंस के साथ डील करनी होगी। एंड देन वो अपने स्क्वाड के साथ उन मिनियंस एंड उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। एंड देन जो शू है वो कहता है कि तुम मुझे बैकअप यानी कि सपोर्ट कर देना क्योंकि मैं उस डीमन को डायरेक्टली पीछे से हमला करने वाला हूँ। फिर तभी वो एग्री कर देती है। एंड देन जो हमारा शू है वो उस डीमन के पीछे जाता है एंड उसे वो शूट कर देता है, बट उस डीमन को कुछ भी नहीं होता। एंड देन वो डीमन है वो हमारे शू के ऊपर हमला करने वाला रहता है कि तभी उसका एक हाथ कोई तो उड़ा देता है। एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है वो और कोई नहीं, वो हमारी शू की गर्लफ्रेंड रहती है। एंड फिर तभी शू कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई? एंड मुझे पता है तुम मेरे पर गुस्सा हो, बट ये तुम कैसे आ गई यहाँ पर? फिर तभी वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्दी नहीं आ पाई। फिर तभी हमें दिखाता है वो वहाँ पे आके अपने स्वॉर्ड के साथ उन सभी मिनियंस एंड डीमन्स को हमला करने लग जाती है, बट तभी उसकी ताकत कम पड़ जाती है जिसके कारण वो डीमन उसे पीछे धकेल देता है। फिर तभी जो शू है वो उसे अपने पास लेता है एंड फिर तभी वो कहता है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर तभी जो शू की गर्लफ्रेंड है वो उसे कहती है हाँ मुझे पता है क्योंकि हमने बहुत टाइम से रिचुअल्स एंड हमारे पावर्स को पावर अप नहीं किया है। फिर तभी वो कहता है अच्छा तो इसे करना ज़रूरी है, तो वो कहती है हाँ। फिर वो किस ले लेते हैं एंड देन किस होने के बाद हमें दिखाई जाता है जो शू की गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाती है एंड उसका ड्रेस चेंज होता है। एंड फिर तभी वो अपने स्वॉर्ड की मदद से वहाँ के डीमन से यानी कि उन मिनियंस के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। एंड देन हमें दिखाई जाता है जो हमारा शू है वो वहाँ पे बेहोश रहता है। एंड फिर तभी वो जैसे ही अपने हाथ की ओर देखता है एंड वो कहता है अच्छा। एंड वह हमें दिखाई जाता है शू की जो गर्लफ्रेंड है उसने ही उसके हाथ के ऊपर ये लिखा था कि वो एक बैटल के बीच में है। एंड देन शू को यहाँ पर सब कुछ याद आता है। एंड देन हमें दिखाई जाता है बैटल के बीच में हमें दिखाई जाता है शू की गर्लफ्रेंड और आयानो एक साथ उन मिनियंस के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो शू की गर्लफ्रेंड है उसे वो स्मेल मैच हो जाती है उस आयानो से। फिर तभी जो शू की गर्लफ्रेंड है वो आयानो से लड़ने लग जाती है एंड वो कहती है तुम मेरे BF के साथ कैसे आ गई? एंड फिर तभी शू उनके बैटल के बीच में आता है कि तभी जो शू की गर्लफ्रेंड है वो उसके ऊपर हमला करने लग जाती है एंड वो उसे कहती है मैं तुम्हारी बात एक बात के लिए मानूंगी जब मुझे तुम अपार्टमेंट की चाबी दोगे। फिर तभी जो शू है वो कहता है क्या तुम इसके बारे में लड़ रहे हो? फिर तभी जो शू है वो कहता है अगर मैंने तुम्हें चाबी नहीं भी दी तभी तुम उस अपार्टमेंट में बिना चाबी की भी जा सकती हो। फिर तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है यानी कि एपिसोड के स्टार्टिंग का, जिसमें जो शू की गर्लफ्रेंड है वो बिना दरवाजे से एंटर हुए डायरेक्टली जो अपार्टमेंट है उसमें घुस जाती है। एंड देन जो शू की गर्लफ्रेंड है वो कहती है ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। फिर तभी जो शू है वो कहता है अच्छा ठीक है। एंड देन वो अपार्टमेंट की चाबी अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है एंड फिर तभी वो काउंटडाउन गिनने लग जाता है वो और उसकी गर्लफ्रेंड 10 से लेकर 0 तक। एंड जैसे ही 0 का काउंटडाउन आता है शू है वो अपना सबसे बेस्ट वाला शॉट हिट कर देता है उस डीमन के ऊपर। एंड देन हमें दिखाई जाता है वो डीमन वहाँ पे ढेर हो जाता है एंड पूरी बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है एंड उनका मिशन लिटरली कंप्लीट होता है। फिर तभी शू की गर्लफ्रेंड है वो उस डीमन के सिर में हाथ रख के उसकी मेमोरीज लेने की कोशिश करती है। फिर तभी शू उससे पूछता है कि उसमें क्या था। फिर तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। एंड देन वो कहता है ठीक है। फिर तभी वो कहता है ये बिल्डिंग तो गिरने लगी है, ये मेरे रिवॉर्ड में से ये कट होगा जो भी उसका नुकसान होगा। फिर तभी जो शू की गर्लफ्रेंड है वो उस मैंशन यानी कि उस बिल्डिंग के बाहर आती है एंड वो सारे उस बड़े पत्थरों को तबाह कर देती है जो कि बिल्डिंग के ऊपर से गिर रहे थे। एंड देन जो आयोनो है वो कहती है कि बहुत ही अच्छी बात है कि जो शू की गर्लफ्रेंड है यानी कि ए क्लास डीमन हजार्ड वो हमारे साइड में है जिसके कारण हमको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साथ हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। हमने और भी ज़्यादा एनिमे एक्सप्लेनेशंस को भी किया है। तो जल्दी मिलते हैं इसके एपिसोड 2 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।